नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी। हर जगह बस लोकसभा चुनाव 2019 की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, महागठबंधन की चर्चा हो रही है और स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों और उनके मुद्दों पर बात की जा रही है। इसी सब विषय पर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी से। 40 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है और इस करियर में उन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे राजनेताओं का संघर्ष देखा है, उनको उठते हुए देखा है, बहुत सारे नेताओं को गिरते हुए देखा है। आपका ये जो दौर है, जबकि ये कहा जा रहा है कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, आप कैसा देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ लहर चल रही है? निश्चित तौर पर आपके कहना सही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि पुलवामा एयर स्ट्राइक और राफेल, ये दो बड़े इशू उभर के आएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी द्वारा बार बार राफेल को उठाने के बाद भी वो लोगों की समझ में नहीं आया और लोगों ने पुलवामा के एयर स्ट्राइक को भी इलेक्शन इशू के साथ जोड़ने के लिए मना कर दिया। अब मेरे जीवन का ये पहला ऐसा इलेक्शन है जो इशू लेस है, जहाँ कहीं कोई मुद्दे नहीं दिख रहे, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं दिख रही। एक विचित्र किस्म का चुनाव जो है हम देख रहे हैं। तो जब कोई इशू नहीं होता, जब कोई लहर नहीं होती, तो पूरा चुनाव चेहरों पर केंद्रित हो जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के रूप में इस देश में स्थापित हो चुके हैं और उसके कंपेयर में हम देखें तो दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं दिखता है। तो इस दृष्टि से ये पूरा चुनाव सिर्फ चेहरों का चुनाव है, एक इस तरीके का चुनाव आप ये कह सकते हो कि कभी एक बहस हुई थी हिंदुस्तान में कि राष्ट्रपति प्रणाली यहाँ पे लागू हो, बसंत साठे ने ये बहस शुरू की थी और इंदिरा गांधी चाहती थी कि व्यक्ति के चेहरे के आधार पे चुनाव हो, लेकिन धीरे धीरे अंततः देश में भले ही ये एक सिस्टम प्रधानमंत्री वाला प्राइम मिनिस्टर सिस्टम हो, लेकिन ये जो चुनाव हम देख रहे हैं ये निश्चित तौर पे उसी अंदाज पे लड़ा जा रहा जैसे कि प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े जाते हैं चेहरे को सामने करके, जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं, जैसा कि हम उन देशों में देखते हैं जहां प्रेसिडेंशियल पैटर्न पे इलेक्शन होते हैं, जहां पे राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। आपको क्या लगता है कि अगर चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं तो विपक्ष का चेहरा कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। यही एक प्लस है जो भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे लाता है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, वहाँ कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसके पीछे पूरा विपक्ष एकजुट हो सके। ना तो वो चेहरा ममता बनर्जी का है, ना तो वो चेहरा राहुल गांधी का है, ना तो वो चेहरा मायावती का है, ना तो अखिलेश का है, ना तो अन्य किसी भी नेताओं का। एक कंपोजिट चेहरा, और वो भी एक कंपोजिट चेहरा भी नहीं बन पा रहा, जैसे कि 89 में या उससे पहले 77 में विपक्ष संयुक्त होकर लड़ा और एक संयुक्त एक कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पे सामने आए और एक नेता चुन लिया, वो भी स्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही। बड़ी कंट्रोवर्सी है उत्तर प्रदेश में, ये बात कही जा रही महागठबंधन और उसमें बाद में वो कांग्रेस के साथ शामिल होंगी, उनकी सहमति है, लेकिन बनारस में प्रियंका गांधी को उतारने की बात हुई थी तो महागठबंधन पीछे हट गया, अखिलेश पीछे हट गए, मायावती पीछे हट गए। तो इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं अपोजिशन के चेहरों के भीतर ही, सब आगे आना चाहते हैं लेकिन किसी में कहीं कोई दम दिखता नहीं है, कहीं कोई एका नहीं है, कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। ये एक बड़ा प्लस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, बिखरा हुआ विपक्ष। आपने एक बड़ी बात कही कि इशूलेस चुनाव है, मुद्दे नहीं है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर टिप्पणियां की हैं, अपने लेख लिखे हैं। तो ये जो लोकतंत्र है और उसमें मुद्दे रहित चुनाव अगर देखे जाते हैं, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में अगर इस तरह के चुनाव हो रहे हैं तो इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? गलत है, और मैं तो इस बात को लेकर बहुत शॉक्ड हूँ कि इस चुनाव में जो समाज को हम भविष्य में किस तरीके का समाज गढ़ के देने वाले हैं, हमारी एजुकेशन का जो सोच है वो क्या होगा, हम समाज को किस तरीके से एक जिम्मेदार समाज गढ़ने की बात करेंगे जहां जात की बात नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी, जहां ऊंचा नीचा नहीं होगा, जहां विषमता नहीं होगी। जो बात दीनदयाल जी कहते थे, जो बात लोहिया कहते थे, जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो कोई भी बातें उठ के सामने नहीं आ रही।
विषमता की बात सामने उठ के नहीं आ रही, जाति पाति के जो भेदभाव हैं वो इशू में सामने नहीं आ रहे, धार्मिक मसले आप देख रहे हैं इस चुनाव में उठ रहे हैं और लोग उसको कैश कर रहे हैं, धर्म को आधार बना के जात के आधार पे टिकटें दी जा रही। तो कुल मिला के देखिए, समाज का विकास कंक्रीट के जंगल खड़ा कर देने भर से ही नहीं होता है। आपने हवाई जहाज़ को जो है तो मिसाइल के गति से चलने वाला हवाई जहाज़ बना लिया, बुलेट ट्रेन बना ली, या मॉल बना लिया, या दुनिया भर के स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन उसमें यदि जीवन नहीं रहेगा, उसमें वो समाज जो धड़कता है उस विकास के भीतर, जब वही नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र, ये हृदयहीन लोकतंत्र को लेके क्या करिएगा। हम इस इलेक्शन में इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम एक हृदयहीन लोकतंत्र की व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चुनाव प्रबंधन एक बहुत बड़ा शब्द है और यही कुछ हो रहा है। चुनाव हर चीज़ हर तरफ से मैनेज किया जा रहा है, प्रबंधन के जरिए, सोशल मीडिया का प्रबंधन है, मीडिया का प्रबंधन है, हर तरह से, और इसीलिए शायद मुद्दे कम हो गए हैं। तो आपका इस विषय पर मुद्दे कम होने का या इशूलेस होने का क्या मतलब है, क्या समझते हैं? ये बड़ी बड़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें विस्तार से जाना होगा। पहली चीज़ क्या है कि मैं इस जिस बिंदु से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि 89 के बाद कोई युवाओं का आंदोलन हुआ है या छात्रों का आंदोलन हुआ। छात्र अब तो वर्चुअल युद्ध कर रहे हैं, वर्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, वहीं गाली गुफ्तार कर रहे हैं, वहीं आक्रोश निकाल रहे हैं। तो कुल मिला के सिस्टम ने युवाओं को, छात्रों को, जो मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरते थे, संघर्ष करते थे, ईंट से ईंट बजा देते थे, सरकारों को झुका देते थे। आपको मालूम है 77 की जो जयप्रकाश की जो क्रांति हुई, पटना के छात्रों ने उस क्रांति को शुरू किया, गुजरात के छात्रों ने शुरू किया। तो चिमन भाई पटेल की सरकार को दबा दिया, गिरा दिया, गफूर की सरकार को दबा दिया, गिरा दिया। तो मतलब वो युवा, वो स्टूडेंट जो कभी चुनाव की प्रक्रिया की जान होते थे, उनको हमारी व्यवस्था ने एक वर्चुअल लड़ाई में, एक आभासी युद्ध में झोंक दिया है। वो सवेरे से लेकर शाम तक आक्रोश तो व्यक्त करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वो उनका जो दुनिया है वो आभासी दुनिया है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई असर नहीं है। ये तो तमाम मुद्दे थे और मुद्दे के बिना चुनाव हो रहा है और क्या कारण है, आपने विस्तार से समझाया। अब हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति का क्या इस समय कायाकल्प किस तरह किया जा रहा है। भोपाल से बात करते हैं, शुरू करते हैं राजधानी से। दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता है, 10 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, 10 वर्षों तक, और उनके सामने है प्रज्ञा ठाकुर, एक विवादित नेता है और जब से आई है कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये जानबूझ के और योजनाबद्ध तरीके से प्रज्ञा ठाकुर को वहाँ पे खड़ा किया गया है ताकि देश में एक ये सवाल जो प्रखर राष्ट्रवाद का है, जो धर्म से डूबा हुआ है, मतलब एक लोग समाज के भीतर एक विचार पैदा हुआ था कि यदि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में आतंकवादी होते हैं जो हिंसा का प्रयोग करके अपनी बात करते हैं, तो वाई नॉट इन हिंदुइज्म, एक इस तरीके की मर्मरिंग। और एक महाराष्ट्र का संगठन है सनातन भारत या ऐसा कुछ एक संगठन है जिसके लोग इस बात पे विश्वास करते हैं, उसका उससे पहले बाल ठाकरे साहब भी हिंदुज़म में मिलिटेंसी की बात करते थे। तो धीरे धीरे कुल मिला के प्रज्ञा ठाकुर एक इस तरीके का चेहरा उभर के आई, और ये एक लिटमस टेस्ट है कि समाज में ऐसे तत्वों की स्वीकार्यता है या नहीं है। बड़ा सोच समझ के प्रज्ञा ठाकुर को वहाँ पे दिया गया। इत्तफाक से संयोग या दुर्योग देखिए कि 1990 के बाद, यानी कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, जो भोपाल की स्थिति बनी, ये सब जानते हैं कि भोपाल मुस्लिम बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो 90 के बाद से वहाँ की जो स्थितियाँ पैदा हुई, तो वहाँ जब इलेक्शन होता है तो स्थिति और मानसिकता का विभाजन हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह कर दिया जाता है, होता नहीं है, कर दिया जाता है। प्रचार तंत्र और प्रोपोगंडा इतना ज़बरदस्त काम करता है कि बड़े बड़े होशियार लोग भी अपने विवेक को खो देते हैं। आप देखते हो वहाँ पे सुशील चंद वर्मा जैसे ब्यूरोक्रेट भारतीय जनता पार्टी से 3-3 बार सांसद हुए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है भोपाल में? उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सिवाय इसके कि वो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं।
वो अपने मोहल्ले भी घूम के नहीं निकलती, तीन बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो एक माइंड सेट पूरे भोपाल में ये बदल दिया गया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि भोपाल की सीट उनके जेब की है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को खड़ा करके पूरे देश में राष्ट्रवाद, जो कथित राष्ट्रवाद है, उसको लेकर एक तरीके से ये जनमत संग्रह भी है कि इस तरीके के चेहरे क्या स्वीकार्य हैं इस समाज में या नहीं। और बाय द वे, यदि स्थिति, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ हमेशा ये बना रहा कि जो मीडिया में या उनके बयान जो प्रचारित होते रहे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लेके, जैसे कश्मीर के पत्थरबाज उनके लिए बिगड़े बच्चे हैं, या आजमगढ़ में उनके जो हमेशा दौरे होते रहे, या जो बटाला हाउस कांड में जो मुठभेड़ या इनकाउंटर हुआ, या बहुत सारी एक घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं हैं कि वो कांग्रेस के भीतर इस्लामिक मिलिटेंट्स या इस्लामिक मिलिटेंसी के एक प्रवक्ता के रूप में प्रचारित किए जाते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह उनके सिंपथाइजर हैं, उनके स्पोकमैन हैं, इस तरीके की बातें हो रही। तो उसके ठीक विपरीत जो दूसरे ध्रुव का एक चेहरा था, तो वो लगा कि प्रज्ञा भारती ही बेहतर हो सकती हैं, कि एक तरफ जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों के साथ सिंपथी रखने वाला चेहरा, और एक बार हिंदुज़म या उसकी मिलिटेंसी पर विश्वास रखने वाला चेहरा, इन दो चेहरों की एक तरीके से भिड़ंत है। यद्यपि दिग्विजय सिंह जी बहुत सुलझे हुए, विवेकवान और एक बेहतर पॉलिटिशियन है, पता नहीं किस गणित के तहत वो इस तरीके के इश्यूज उठाकर विवादों में आते रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि बेहद पढ़े लिखे और जमहूरियत को समझने वाले, लोकतंत्र की हर चीज़ को समझने वाले वो हैं। तो ये पूरे भोपाल के लोगों के विवेक की भी परीक्षा है कि आखिर वो अपना प्रत्याशी कैसा चुनते हैं। बिल्कुल, भोपाल के विवेक की ही परीक्षा है। दिग्विजय सिंह जमहूरियत को समझने वाले हैं और बहुत बड़े नेता हैं। अब देखना है कि क्या होता है। अब बात करते हैं अगर विंध्य की, तो विंध्य में हमेशा से राजनीति थोड़ा अलग चली है। इस विधानसभा के चुनावों में भी ये देखा गया है। विधानसभा के चुनावों के परिणाम के बाद अगर बात करें तो बीजेपी की लहर एक तरफा देखी गई थी, तो अब स्थिति कैसी है? सबसे पहले बात करते हैं सीधी की, हाई प्रोफाइल सीट है। अजय सिंह जो कि चुरहट से चुनाव हार चुके हैं, उनके सामने रीति पाठक हैं, और कई तरह की जातिवाद है, कई मुद्दे हैं, चुनाव का हार है, मोदी जी की लहर। अब आपको कैसा लगता है सीधी में? तो अजय सिंह राहुल जी उलझ इसलिए गए हैं कि उनका माइंडसेट सीधी में चुनाव लड़ने का था नहीं। उनका कर्म क्षेत्र सतना कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और सतना में कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी कि उनको वहां पे टिकट नहीं मिली, और उनको अंततः अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए सीधी में जाना पड़ा। कभी भी सीधी उनके चुरहट को छोड़ के कभी भी इंटायर सीधी उनके फोकस में नहीं रहा, और यही वजह है कि सीधी में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी होती गईं। और पूरे विंध्य क्षेत्र में यदि भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में सबसे गहरी कहीं जड़ें हैं, तो वो सीधी में। आज चितरंगी का विधायक 52,000 वोटों से जीत रहा है। कोई भी ऐसा सीधी सिगरौली जिले का तीन के तीनों विधायक में कोई ऐसा नहीं जो 20,000 से कम मिले हो। तो लगभग 2 लाख की बढ़त है विधानसभा में। तो अजय सिंह राहुल के लिए ये बड़ी मुश्किल है। एक सिंपथी अर्जुन सिंह जी की विरासत को लेके, क्या ये बचा पाएंगे, इसको लेके एक संपत्ति है। अजय सिंह राहुल के पास मैन पावर अच्छा है, उनके पास प्रबंधन है, उनके पास अनुभव है, लोगों को वो जोड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि उनके सामने रीति पाठक उम्मीदवार के रूप में भले हैं, लेकिन उनकी असल की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसके कॉडर से हो रही है, उसके अनुसांगिक संगठनों से हो रही है, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने आदिवासियों के बीच में, हरिजनों के बीच में, लोगों के बीच में इतना ज़बरदस्त काम किया है कि उसका रिजल्ट इनको चुरहट में मिला, उनको समझ में नहीं आया और ज़मीन खिसक गई। तो ये जो चुनाव है, मुझे ये लगता है कि अजय सिंह राहुल के लिए आसान नहीं है, और जो वोकल है, जो वोकल सेक्शन है, जिसको मुखर वर्ग आप कह सकते हो, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो साइलेंट है, जो चुपचाप वोट करता है, उसकी मन स्थिति अभी भी विधानसभा के चुनाव जैसी ही है।
तो सीधी में आपने बताया कि जो साइलेंट वोटर है वही निर्णायक साबित होगा। वो कल तो बता रहा है कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, वो एक और तबका है जो बात नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं सतना, सतना लोकसभा सीट को अजय सिंह राहुल ने कर्मभूमि बनाया, 5 सालों तक वहाँ काम किया, आखिरी समय में उनका टिकट परिवर्तित कर दिया गया। अब सतना की स्थिति यह है कि 15 वर्षों से सांसद गणेश सिंह मैदान पर है बीजेपी की तरफ से, और ब्राह्मण चेहरा उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। गणेश सिंह के ऊपर ये आरोप है कि वो जातिगत राजनीति करते हैं, तो क्या इस बार परिवर्तन हो सकता है, क्या देखते हैं आप? देखिए, एक चीज़ है कि सौभाग्य से सतना एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे जात पात का ज़्यादा असर कभी नहीं पड़ता रहा, जबकि रीवा और सीधी जात से भीग चुके थे। आपने देखा होगा कि कांताबेन पारिख वहाँ से 2 बार विधायक रही हैं, 100 वोट भी नहीं थे उनके। 7 से 8% मुसलमान हैं सतना में, और वहाँ बैरिस्टर गुलशेर अहमद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और लगातार विधानसभा भी चुनाव जीतते रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी थे, राज्यसभा के मेंबर भी थे। अजीज कुरैशी भोपाल में आके वहाँ से जीते। तो कुल मिला के जो सोशल फैब्रिक या पॉलिटिकल फैब्रिक सतना की थी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन पिछले पंद्रह वर्ष से आप ले लो कि एक जातिवाद का एक अचानक उफान वहाँ पे आ गया, और जब ये आया तो लोग जाति स्वाभिमान भी खोजने लगे और ये भी खोजने लगे कि सतना ब्राह्मण बाहुल्य है, सतना समण बाहुल्य है, लेकिन वहाँ उसकी राजनीतिक से नहीं है, उसकी राजनीतिक कोई वक्त नहीं है। और ये बात सही है कि सिर्फ 2 ब्राह्मण हैं जिनको अब तक वहाँ पे टिकट मेन स्ट्रीम की पार्टियों ने दिया था, एक शिवदत्त उपाध्याय जो केयर टेकर थे नेहरू जी के आनंद भवन के, दूसरे थे आनंद चंद जोशी, सिर्फ 2 ऐसे उम्मीदवार हुए हैं जो ब्राह्मण वर्ग के थे। इसके बाद से लगातार सुखेंद्र सिंह जी जीते, नरेंद्र सिंह जी पन्ना के राजा जीते, अर्जुन सिंह जी जीते, सुखलाल जीते, रामानंद सिंह जीते और गणेश सिंह जी जीत रहे हैं। तो कुल मिला के जो जातीय राजनीति का जो असर है वो सतना में भी बड़ा तेज़ी से फैला इस 15 उसमें। तो अब इन 15 वर्षों में एक रिवोल्ट जैसा सोसाइटी के हायर क्लास में एक रिवोल्ट जैसा दिखता है कि नहीं, अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी छतरी के अंदर नहीं रह सकते भले ही उस पार्टी के लोग हों, तो इस तरीके का एक माइंडसेट बना। लेकिन चुनाव में यही बार बहुत मायने नहीं रखता है, चुनाव में जो मुखर या वोकल सेक्शन है वो बहुत निर्णायक नहीं होता है, जो साइलेंट तबका है जो चुपचाप रहता है वो ज़्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक बड़ा कोर वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न क्षेत्र में इसीलिए कंफर्ट जोन में अपने को महसूस करती है, और ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि राम लखन सिंह जो बड़े नेता थे बीएसपी के, अपनी पोलिंग में हार गए वो, उनकी पोलिंग में बीजेपी आगे है। उषा चौधरी जो विधायक थी और बड़ी नेता थी उनकी पोलिंग में बीजेपी आगे है, इसलिए ये आरोप लग रहा था कि बीएसपी के लोगों ने अपने वोट बीजेपी में शिफ्ट कर दिए और मायावती ने इन सबको बाहर कर दिया निकाल के। तो एक बड़ा चेंज जो रीवा में हुआ है वही सत्ता में हुआ है, बीएसपी के वोट को लेके बीएसपी का जो कोर वोटर है वो शिफ्ट हो गया है बीजेपी की ओर से। मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा से लेकर अब तक में कोई स्थितियों में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। सतना की राजनीति पर बहुत अच्छी बात आपने बताई, जातिगत किस तरह से बदलाव हुए हैं सतना में। अब रीवा की बात करते हैं, हमेशा से चर्चा में रही है, विंध्य क्षेत्र की सबसे चर्चित सीट यही रहती है। इस बार जो परिस्थितियां बन रही हैं वो 2009 जैसी रहेंगी, 2014 जैसी रहेंगी, क्योंकि प्रत्याशी लगभग सेम है। 2009 में बीएसपी की जीत हुई थी, 2 ब्राह्मण कैंडिडेट थे, 2014 में बीजेपी मोदी की लहर में सब समीकरण ढह गए थे। तो इस बार क्या है? देखिए, क्या है कि रीवा और सतना दोनों जगह से बहुजन समाज पार्टी इरिलीवेंट हो गई। हारे दांव इसके वोट 17% होते थे, और जब ये 24 से 25% वोट पाती थी तो सांसद बना लेती थी। इस विधानसभा चुनाव में मैंने देखा उसकी मुट्ठी खुल गई और आँख हो गई, कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता। वजह क्या है कि जो सोशल एम्पावरमेंट की योजनाएं शिवराज सिंह ने लागू की या जो मोदी ने लागू की उसका गहरा असर है, क्योंकि वो उकता गए कि वोट दो वोट दो वोट दो, और ये भी जानते हैं कि बीएसपी की टिकट बेच दी जाती हैं तो वोट उनका और उसका धन कहीं और जाता है जो हीरे के मुकुट बनाने के काम आता है। लेकिन वो देख रहे हैं कि उनके घर में गैस सिलेंडर आ रहा है, वो देख रहे हैं कि उनको पक्का मकान मिल रहा है जो उनके लिए कभी सपना था।
तो ये जो सोशल एम्पावरमेंट की जो ये योजनाएं प्रदेश की शिवराज की थी और मोदी जी की थी, इसने इधर शिफ्ट किया है। अब रही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, ये आप स्पष्ट तौर पे मान लें। भारतीय जनता पार्टी इशूलेस चुनाव है और मैं ये मानता हूँ कि जनार्दन कोई चेहरा नहीं है, जनार्दन भी इरिलीवेंट है। यहाँ रिलीवेंट कौन है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी। उसके बनस्पत जो सामने का उम्मीदवार है यानी कि सिद्धार्थ तिवारी राज, उनके पास कुछ इस तरीके की पृष्ठभूमि नहीं है जो मोदी को मुकाबला कर सके। हम बात यदि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी या सुंदरलाल तिवारी जी की करें, तो श्रीयुत जी दो चुनाव हारे, सुंदरलाल जी लगातार 3-4 चुनाव हारे, और ये राज चुनाव लड़ रहे हैं। यद्यपि चुनाव में जीतना हारना किसी नेता के छोटे कद या बड़े कद होने का पैमाना नहीं होता है। तिवारी जी बड़े नेता थे, सुंदरलाल जी बड़े नेता थे, सुंदरलाल जी अनपैरेलल एक बड़े नेता थे, वो यहाँ की जातीय राजनीति का एक बड़ा वो होता है। तो स्थिति ये बन रही है कि जब इशूलेस इलेक्शन में हम चेहरों को देख के वोट करेंगे, तो जो चेहरा ब्रांड होगा, जो चेहरा लोगों के दिमाग में चमकेगा, जो चेहरा ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित होगा, जिसका प्रबंधन ज़्यादा बेहतर होगा, पब्लिक उसी की तरफ दौड़ेगी। बेब कुछ है नहीं, सिर्फ इस तरीके की एक ये आभासी लड़ाई, ये इलेक्शन की भी एक आभासी लड़ाई हो रही है। इसमें जो बाजी मार ले जाएगा वो जीतेगा। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो सवर्ण मतदाता है, खासतौर पे युवा है, पढ़ा लिखा है, उसको लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी राज जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर, इसको इसके हाथ में कमान दी जानी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा बड़ा तबका है जिसको 1 रुपये में राशन मिलता है, जिसके घर में गैस सिलेंडर पहुंच चुका है, जिसका घर का पक्का मकान बन चुका है, जिसका मोह BSP से भंग हो चुका है, वो अब मोदी कहता है। तो एक बड़ा तबका ये है जो निर्णायक है। अब देखते हैं इलेक्शन तक में क्या स्थितियां बनती हैं, कांग्रेस इस बड़े तबके को अपनी ओर कैसे टर्नआउट कर पाती है, ये एक बड़ी चुनौती है और चुनाव के नतीजे पर इसी का दारोमदार रहेगा। आपने कई तरह की बातें की। एक मीडिया में, यहाँ लोकल मीडिया में ये बात हुई कि स्थानीय प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उनका मुकाबला इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे से है, तो आप भी कुछ ऐसा देखते हैं? और दूसरी बात, युवा बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ये तो बड़ी बात हो गई कि मतलब मोदी जी के नाम पर एक वोट दे रहे हैं और एक तबका है जो युवा चेहरा देख रहा है। ये आप कह सकते हो कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे सीधी में मैं कह रहा हूँ, सीधी का उम्मीदवार इरिलीवेंट है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मोदी है, उसी तरीके से रीवा का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो इरिलीवेंट है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारी है और मोदी का चेहरा है, और राजेंद्र शुक्ला का प्रबंधन है, राजेंद्र शुक्ला भी एक बड़े चेहरे हैं। राजेंद्र शुक्ला देना बहुत जरूरी था यहाँ। राजेंद्र शुक्ला जी पूरी क्रेडिट, पूरे विधानसभा में 30 में से 24 सीट जीतने की क्रेडिट उनको जाती है, और इस बार यदि चारों सीटें भले ही मोदी के चेहरे से जीत दी जाए, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट यही लिखेंगे कि इसमें राजेंद्र शुक्ला की रणनीति काम आई, और निश्चित तौर पर वो रणनीतिकार अच्छे हैं और अपने आप को उन्होंने इस तरीके से साबित भी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमारे साथ थे इस विंध्य क्षेत्र के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी, जिन्होंने देश की राजनीति से लेकर भोपाल और विंध्य की राजनीति को विस्तार पूर्वक समझाया, और यहाँ पर क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ निर्णायक हो सकता है। साइलेंट वोटर है जो तीनों विधानसभा सीटों को, स्पेशली सतना, रीवा और सीधी के लिए, वही निर्णायक मतदाता है जो साइलेंट वोटर है, और उसी के आधार पर ये तय होगा कि किस प्रत्याशी की जीत होती है और कौन हारता है। इसी तरह की तमाम सियासी खबरों के लिए, विश्लेषणों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग TV के साथ। धन्यवाद।